को लगता है 15 से 16 घंटे आराम से जाएंगे। तो चलो आज का डे स्टार्ट करते हैं। चुकी हूँ बताना। एंड यस, पूजा करके मेरे को बहुत ही सुकून मिलता है। तो आप लोगों में से किसी ने सजेस्ट किया था कि आप ना थोड़ा मेडिटेशन या फिर थोड़ा पीस के लिए ना पूजा किया करो, मंदिर जाया करो। तो मैंने घर में ही थोड़ा बहुत जो स्टूडेंट लाइफ कर सकते हैं थोड़ा सा मैंने सेटअप किया है एज यू कैन सी, तो और मुझे अच्छा लग रहा है। चलो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ फटाफट से पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। थोड़ी मैं हाँफ रही हूँ बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी किया है बहुत सारा काम। एज यू कैन सी शाम हो गई है और लाइट भी कट गया है। पता नहीं पटना में लाइट तो कटता नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही थी तो यहाँ मैंने ब्रेड जैम खाया है और अभी भी भूख मेरी मिटी नहीं है। तो मैं ये जलेबी लेके आई हूँ, तो अब जा रही हूँ मैं जलेबी खाने। तो यहाँ मैंने नाश्ता कंप्लीट कर लिया है, अब चलते हैं अपनी फिर से स्टडीज स्टार्ट करते हैं। और सिर्फ 3 महीने बचे हैं, सो लास्ट टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ना, पीवाईक्यू लगाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ मैं एनसीईआरटी कर रही थी, उसी के साथ मैं एनसीईआरटी में मार्क भी करती जा रही थी कि कौन से ईयर में कौन से लाइन से क्वेश्चन बने हैं, कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ना मैं पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी से अपनी एनसीईआरटी मार्क कर रही थी और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रही थी। मतलब मैंने एक साथ अपनी एनसीईआरटी मार्क भी कर ली, एनसीईआरटी को रीड भी कर लिया और पीवाईक्यू भी कर लिए। सो ये पीवाईक्यू जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से ईयर में क्वेश्चंस आए थे और इसका वीडियो ऑडियो एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी अभ्यास बैच। इसके अलावा अभ्यास बैच में आप पेज वाइज मैनर में एनसीईआरटी आपकी ओल्ड हो या न्यू हो उसके बेसिस पे हर एक पेज से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आपने एक पेज भी पढ़ा है ना तो आप उस एक पेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको क्वेश्चन के वीडियो ऑडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। अगर आप जैसे हुआ ना आप बुक मार्क कर सकते हो, जैसे आप बाद में उसको रिविजिट कर सको चाहो तो आप इसको भी कर सकते हो। एंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर बात करें पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी की तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों में एनसीईआरटी के लास्ट 25 इयर्स में नीट एएमसी एपीएमटी जो भी क्वेश्चंस बने हैं वो आपको मार्क्ड मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पिंक लाइन से हाईलाइटेड वही लाइन है जिससे पीवाईक्यू बने हैं और जिससे आपको पता चले कि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है और इससे आसपास के लाइन भी। एंड इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन तो उसके लिए आप एनसीईआरटी अभ्यास बैच ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी की, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी कि अच्छा इस तरह के भी क्वेश्चंस बन सकते थे। सो पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होगी यहीं से। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ना इसके लिंक दे दिए हैं और कमेंट बॉक्स में भी, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। एंड लास्ट टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है हम सबको पता है। यस गाइस, तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, बॉडी फ्यूज है, फ्लूइड एंड सार्ट कोहेशन का चैप्टर, सो एनसीईआरटी से भी कर लिया, नोट्स से भी कर लिया और मॉड्यूल से भी कर लिया। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस लगाते हैं। तो चलो दिखाती हूँ।
कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, ये क्या बताएं दिखाओ। टाइम हो रहा है 9:10 अप्रोक्स, मेरे को 1 घंटे लगे हैं, 1 घंटे में। अब क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? हाँ, सारी आवाज अभी आने लगते हैं। सो यहाँ मैंने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब चलिए इसको मिलाते हैं और देखते हैं कितना सही है और कितना गलत है। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। तो 1 का D, 2 का C, 3 का B, 4 का D, 5 का A, 6 का A, 7 का C, 8 का A, 9 का A, 10 गलत हो गया, नहीं सही था। यस गाइस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरा सारा सही है गाइस। और अब चलते हैं, इसको भी मिला के फिर मिलती हूँ आप लोगों को। सो यहाँ मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगभग 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं। बस एक चीज अच्छी है कि PYQ एक भी गलत नहीं हुआ है। चाय वाय बनाती तो फिर उसमें ना नहीं चाहते हुए भी 1 घंटे लग जाते हैं मेरे। तो एज यू कैन सी 5:44 हो रहे हैं। तो चलो अब दिखाती हूँ कि अभी से मैं क्या करने वाली हूँ, मतलब क्या करने वाली, पढ़ाई करूँगी अपनी ज़िंदगी में, उसके अलावा कोई काम नहीं है। तो मैंने सबसे पहले अभी मैं जग मतलब जग के तो कब कराई थी, अभी मैंने चाय रख दिया है, ये रही मेरी गर्म पानी, ये देखो ये रात में मैं ऐसे ही सो गई थी। ये मैंने टेस्ट का शेड्यूल लगा लिया है, ये कुछ कुछ चीज़ें, और यहाँ पर मैंने ना एक एक डे मार्क करने का वो भी लगा लिया है एज यू कैन सी। लाइफ को का नोट्स कर लिया है, तो बस इतना ही करा है अभी सुबह से 3 घंटे में। रात के 3:11 हो रहे हैं, और अगर मैं अपना स्टडी टेबल दिखाऊं तो यहाँ मैं पढ़ रही थी, उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई काम बच नहीं गया है, नहीं कोई काम नहीं गया उसके अलावा।
उनको देख के मुझे याद आया कि मैंने दूध का भी पैकेट लाया था, और वो मैंने उबाला ही नहीं है, वो तो सुबह फट जाएगा यार, वो भी उबालना पड़ेगा। फटाफट से करते हैं यार, अब नींद भी आ रही है बहुत भयंकर। कैसे आप लोग बताना, जब बहुत ज़्यादा पढ़ लो और इस तरह से हाथ होता है ना, तो कितना अच्छा फील होता है, बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है। तो आज मुझे भी कुछ ऐसा ही सेटिस्फाइंग फील हो रहा है। चलो फटाफट से क्लीन करते हैं और सोते हैं, और फिर सुबह मिलूंगी आप लोगों से। सबका 4 बजे वीडियो स्टार्ट होता है, पढ़ाई स्टार्ट होती है, मेरा 4 बजे सोने का काम हो रहा है।